हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑल आउट मॉस्किटो किलर के बारे में। तो जैसे कि मैं लास्ट 1 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, 1 मंथ बाद में इसका क्या कंडीशन है, क्या है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है भी कि नहीं, क्या इसके थ्रू मॉस्किटो किल होते भी है भी कि नहीं, या फिर कितने बाय कितने रूम के लिए परफेक्ट है, या फिर इसकी रिफिल है वो कितने टाइम तक चलती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप भी सोचोगे अच्छा सा मॉस्किटो किलर परचेस करने के लिए, और रेनी के सीजन में बहुत ज़्यादा मॉस्किटो मच्छर वगैरह बढ़ जाते हैं। तो ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था 100 रुपीज़ के करीब, जो कि 2 क्वांटिटी में आपको देखने को मिल जाता है। सिंगल क्वांटिटी में भी अवेलेबल है, डबल ट्रिपल में भी अवेलेबल है। तो सभी के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। और सबसे पहले जैसे कि बात कर लेते हैं इसकी बॉडी के बारे में, तो आपको कुछ इस टाइप की ओवरऑल बॉडी देखने को मिल जाएगी, और ये एक अलग से रिफिल देखने को मिलेगा। तो ये 2 क्वांटिटी में, तो एक बॉक्स में मैंने रिमूव कर दिया, एक बॉक्स में मैं रिमूव करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस टाइप का आपको आएगा, और नीचे आपको जो कि जिस तरह कोई भी कैप वगैरह का ढक्कन लगाते हो, इस तरह आपको इसका ये ढक्कन को ओपन करके बाद में इसके अंदर लगा देना है। तो इसके अंदर वर्क किस तरह करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसका ढक्कन ओपन करता हूँ, तो ये हमारा हीट होता है, हीट होने के कारण जो कि अंदर तक हीट होता है, उसके बाद में वो वेपर बाहर निकलता है। अब ये हीट कैसे होता है, तो ये इसके अंदर जाता है, तो इसके अंदर ये हमारा इधर का पार्ट हीट होएगा और वो वेपर फिर इसके ऊपर से बाहर निकलेगा। तो इसे लगाना बहुत ही सिंपल है, इस तरह लगाना, बाद में फिर आपको इसे टर्न करना, टर्न करोगे तो ये जो कि नीचे के साइड से टाइट हो जाएगा और ये हमारा प्रॉपरली फिट हो जाएगा। तो इस तरह आप लगा सकते हो, तो ये तो आपको समझ में आ गया रहेगा। अब इसके बाद में इसके सामने 2 मोड्स देखने को मिलेंगे, प्लस मोड और जो कि डबल प्लस मोड। इनकेस आपके घर पे ज्यादा मॉस्किटो है और एरिया भी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, तो आप डबल प्लस मोड में यूज कर सकते हो, बाकी आप सिंगल प्लस मोड में यूज करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यूसेज कीजिए, एक बार सिंगल प्लस मोड में यूज कीजिए, रात को देखिए मॉस्किटो वगैरह जो कि है ना अधिकतर जो काट रहे नहीं है, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, तो आप सिंगल प्लस में यूज कर सकते हो, उसके कारण जो कि रिफिल कम यूज होगा और डबल प्लस मोड में ज्यादा रिफिल यूज होगा। अब ये पैक की बात करें तो कितना चलता है, जैसे कि मैं डबल प्लस मोड में यूज करता हूँ, इसको ऑलरेडी मैंने यूज किया हुआ है, तो ये आपका एक रिफिल अराउंड 30 डे चल जाता है। और जैसे कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है बॉक्स पे और भी जो कि वेबसाइट वगैरह पे 45-60 डे तक का वो सिंगल प्लस मोड का मेंशन किया हुआ, पर मैं डबल प्लस मोड में यूज करता हूँ तो 30 दिन तक एक रिफिल चलती है। और एरिया की बात करें तो 10x15 150 स्क्वायर फीट एरिया रहेगा उसके लिए परफेक्टली, इससे ज्यादा बड़ा एरिया है तो आपको जो कि है ना 2 लगाने पड़ेंगे, मतलब 300-400 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो आपके 2 प्लग रहेंगे, 2 साइड में आप इसे लगा सकते हो। और जब आप इसे यूज करोगे तो आप अपना थोड़ा विंडो वगैरह जैसा नॉर्मली वेंटिलेशन के लिए ओपन रहता है तो वो आप ओपन रखिए, पूरा है ना बंद कमरे में इसे बंद यूज कीजिए, जो कि मतलब इन्होंने बॉक्स पे मेंशन किया हुआ कि बंद कमरे में नहीं यूज करना है, तो मैंने तो अभी तक कोई भी बंद कमरे में इसे यूज नहीं किया। और एसी वगैरह तो इसमें भी मैंने इसे अभी तक यूज नहीं किया है फिलहाल, तो एसी वगैरह में भी आप इसके इंस्ट्रक्शन और भी वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। तो एसी वगैरह है तो वो आप है ना हल्की सी मतलब या कम रखिए, या फिर ना एसी आप बंद रखिए जो नॉर्मल फैन में, या फिर हल्का सा विंडो ओपन रखोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो इस तरह से यूज करने का बताया गया। अब इसे जो कि प्लग में लगाना भी कैसे वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ, लगा किस तरह की लाइट ब्लिंक होगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इधर आपको जो कि नॉर्मली से प्लग में लगा देना, और इसके अंदर एक और एडवांस फीचर है वो भी मैं दिखाता हूँ। जैसे कि इसे ऑन करोगे तो ऊपर ये लाइट ब्लिंक करेगी, रात को थोड़ी सी ज्यादा आपको रोशनी देखने को मिलेगी तो ये विजिबल रहेगी। और ये डबल प्लस मोड में तो ये ऑटोमेटिकली इधर हीट होने लगेगा, ऊपर वेपर निकलने लगेगा। और इसको आप है ना रोटेट भी कर सकते हो इन केस आपका, जैसे कि ये अभी तो फिलहाल ये इस टाइप का प्लग है और किसका स्ट्रेट प्लग रहता है, जैसे कि ऐसे आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे आप रोटेट भी कर सकते हो, रोटेट करके भी मैं आप शो कर देता हूँ। तो इसे आपको इस तरह टर्न करना है और टर्न करके लॉक लग जाएगा, तो इसे आपका प्लग सीधा है तो सीधा का सीधा भी आप इसे लगा सकते हो, किसके घर पे सीधा रहता है, और जो कि टेढ़ा है तो आप टेढ़ा भी लगा सकते हो। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो ऑलमोस्ट सभी चीजें बता दी, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, काफी ज्यादा यूजफुल है रेनी सीजन में एज कम्पेयर टू बैट हो गया, या फिर आप मच्छर का नेट वगैरह लगा रहे हो तो इसे बार बार आपको वॉशरूम भी जाना पड़ता है, तो उसे ओपन करना ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो ये चीज मुझे ज्यादा यूजफुल और अच्छी लगी, बस एक बार लगाया आपका काम हो गया। और इसके रिफिल्स खत्म हो जाते हैं तो वो भी आपको सेपरेटली मिलते हैं, 30 रुपीज में 20 कितने के तो रहते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देखना चाहते हो तो जरूर देख लेना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाते तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।